Class 12, Unit 1. Topic Structure. Prepared by Pavan Kumar, PGT Computer Science, GSSS Corey. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोरी की कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का यूनिट 1 टॉपिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए डाटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप। आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जबकि एरे में एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करना होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स दिखाया गया है, इसमें स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज किया गया है, स्ट्रक्चर का नाम है ये, और ये उसकी डाटा टाइप डिफाइन की गई है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होगा। क्रिएट ए स्ट्रक्चर फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड। स्ट्रक्चर ये कीवर्ड है, हियर स्ट्रक्चर इज ए कीवर्ड। स्ट्रक्चर नेम, नाम नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विच यू वांट टू यूज। आप जिस भी डाटा टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उसका नाम, स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, बैंक नेम हो सकता है, और एनी थिंग दैट यू वांट टू यूज एज स्ट्रक्चर्स। मेंबर्स, वन मेंबर, टू मेंबर, थ्री, ये मेंबर डाटा मेंबर भी हो सकते हैं और मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। इसी के साथ टेकिंग एग्जांपल, इफ वी वांट टू मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट देन वी हैव डिक्लेयर इट एज। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे आपको पहले बताया गया है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर का नाम होता है और उसके मेंबर फंक्शन होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम है, सेमी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट रोल है, ये है इसका डाटा टाइप। ये बताता है कि हमारा जो रोल है वो इंट टाइप का है। करेक्टर नेम है, ये भी एक डाटा टाइप है, जो बताता है कि जो इसमें स्ट्रक्चर में जो डाटा टाइप यूज हुए हैं करेक्टर टाइप का है, और नेम है उसमें हम करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट परसेंटेज इंडिकेट दैट कि बच्चे की जो परसेंटेज होगी, स्टूडेंट की जो परसेंटेज होगी वो फ्लोट में होगी, मतलब दशमलव भिन्न में होगी या पॉइंटों में होगी। इसी के साथ पेज नंबर 2, इसमें दिस विल क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ डाटा टाइप हैविंग रोल नंबर एज एन टाइप, नेम, करेक्टर एंड परसेंटेज। इससे पहले शायद पेज नंबर 2 छूट गया है, उसको दिखा देते हैं। पेज नंबर 2 ब्लैंक है, तो पेज नंबर 1 में ही ये आपको बताया कि स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जिसमें एंट रोल नंबर है, करेक्टर नेम है, फ्लोट है ये, और इसके बाद पेज नंबर 3 है जो उसमें आपको बताया गया है कि दिस विल क्रिएट स्टूडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर एज इंट टाइप, नेम एज करेक्टर एंड परसेंटेज एज फ्लोट। नाउ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस कैन कंटेन टू डाटा टाइप मेंबर्स। जब हम सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं, दो टाइप के डाटा मेंबर्स होते हैं। नंबर 1, डाटा मेंबर। डाटा मेंबर
दीज मेंबर्स आर नॉर्मल सी प्लस प्लस वेरिएबल। वेरिएबल की बात करें तो इंट करैक्टर फ्लोट दीज आर द वेरिएबल्स। और दूसरा होता है मेम फंक्शन। मेम फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो जिससे कि हम वैल्यू रिट्रीव करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल डाटा मेंबर्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। डाटा मेंबर्स इंट रोल, ये दिखाता है कि रोल हमारा एक डाटा टाइप है जिसकी टाइप है इंटीजर। इसी प्रकार इंट एज, एज हमारा एक डाटा टाइप है जिसकी टाइप है इंट। और इंट मार्क्स, मार्क्स हमारा एक डाटा टाइप है और जिसकी टाइप है इंट। इसी प्रकार नोट इन द अबाउट स्ट्रक्चर द डाटा मेंबर्स आर थ्री इंटीजर वेरिएबल टू स्टोर द रोल नंबर एज एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब बात आती है मेमर फंक्शन। वाइड प्रिंट डिटेल्स, यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स है वो एक मेमर फंक्शन है जो कि प्रिंटिंग का काम करता है। सी आउट फंक्शन का आपको सभी पता है, ये रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सी आउट रोल, रोल इसका मतलब क्या है कि ये रोल नंबर को आउट करेगा, ये एज को आउट करेगा। आउट करने का मतलब यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसी के साथ दीज आर द मेंबर फंक्शन। अब टॉपिक आता है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम चाहते हैं कि वी स्टोर दी मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर टाइप, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर मतलब एरे में आपको पता है कि एक से लेकर 10,000, 100 कितना भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, उनका एक बेस इंडेक्स होता है। इसमें आपको दिखाया गया है डाटा टाइप, और डाटा टाइप सॉरी सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरे। यहाँ पर स्ट्रक्चर नेम, नेम है, डाटा टाइप है, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, और ये जो चीज़ दिखाई गई है ये है हमारा एरे। एरे इज इंडिकेटेड बाई दिस ब्रैकेट, मीन्स दो आपको स्क्वेयर ब्रैकेट मिलेंगे, इसके बीच में इसका साइज होता है। आप यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ तो इसका मतलब एरे का साइज हमारा 9 है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर एरे इंक्लूड स्टोर आयो स्ट्रीम, ये तो स्टैंडर्ड कीवर्ड है। स्ट्रक्ट पॉइंट, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एरे का। इसका मतलब है कि हमारा डाटा ये पॉइंट है, ये एक क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर का नाम है पॉइंट। इंट एक्स वाई डाटा वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल। एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी इंट टाइप की। इंट मेन स्ट्रक्चर पॉइंट एरे, यहाँ पर दिस इज द एरे, एरे ऑफ 10 एलिमेंट। यहाँ पर ये साइज 10 दिखाया गया है, इसका मतलब एरे हमारे 10 का साइज है। एरे 0.x का मतलब है एरे का जो 0 इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू हमारी स्टोर होगी 10। और एरे 0.y का मतलब है उसके अंदर हमारा 0 एलिमेंट के अंदर ही वैल्यू स्टोर होगी 20। यहाँ पर दो बातें सीखने देखने योग्य है कि एक ही इंडेक्स पे दो वैल्यू स्टोर कैसे हो रही है, क्योंकि तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल डिक्लेयर कर गए हैं इंट एक्स और इंट वाई। ये वाई है, ये हमारा एक्स है, इसलिए एक्स और वाई ही 0 पे 10 और 0 पे 20 वैल्यू स्टोर हो रही है। लेकिन आउटपुट करने के लिए एरे 0.x ये वाला जो सिंटैक्स है ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये वाला जो सिंटैक्स है ये वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। सिंपल प्रोग्राम ऑन द स्ट्रक्चर, देखते हैं कि स्ट्रक्चर अब पूरे तरह से कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मोटी मोटी बातें जो है, नंबर 1, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का एक नाम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर पर्सन है, स्ट्रक्चर का नाम है, और स्ट्रक्ट कीवर्ड दिखाता है कि ये डाटा टाइप किसका है, स्ट्रक्चर का। यहाँ पर करेक्टर नेम 50, ये एरे है, एरे है, और इसका साइज है हमारा 50। इंट एज, एज एक डाटा टाइप है जिसकी टाइप इंटीजर है। और फ्लोट सैलरी, सैलरी मतलब
इसकी डाटा टाइप फ्रूट है। ये तो है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। पार्ट नंबर दो आता है कि जब हम डिक्लेयर करने के बाद इन एज सैलरी और नाम को एक्सेस कैसे करेंगे, इनके अंदर वैल्यू कैसे देंगे। उसके लिए हमें स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का नाम है हमारा पर्सन और उसका ऑब्जेक्ट है बिल। हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने वैल्यू को पास करेंगे। एग्जाम्पल, बिल डॉट एज इज इक्वल टू 50। इसका मतलब है बिल ऑब्जेक्ट है, बिल डॉट एज मतलब एज के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी 50। एज के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे 50। हम सेम टीम भी कर सकते हैं, बिल डॉट सैलरी इज इक्वल टू 5,000। इसका मतलब है कि सैलरी के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी 5,000। इसी प्रकार हम कंप्लीट प्रोग्राम वुड बी लाइक दिस स्ट्रक्चर पर्सन। पर्सन एक स्ट्रक्चर है जिसमें 50 नाम है, मतलब 50 बंदे काम करते हैं, उनकी एज और उनकी सैलरी का हमें एक प्रोग्राम बनाना है। और दिस बिल, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम वैल्यू को पास करेंगे। इंट मेन इंट बिल। बिल डॉट एज का मतलब है यहाँ पे हमारे पास एज के अंदर उस एम्प्लॉय की एज क्या हो जाएगी, 50। और बिल डॉट सैलरी का मतलब, इसका मतलब है कि उस एम्प्लॉय की, पर्सनल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 10,000 स्टोर हो जाएगी। सी आउट बिल का मतलब है, सी आउट बिल डॉट एज ये हमें डिस्प्ले करेगा क्या, 50, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल डॉट एज कितना दिया है, 50। इसलिए हमारा जो डिस्प्ले होगा वो 50 होगा। हम चाहते हैं कि सैलरी डिस्प्ले हो, तो हम सिंपल लिखेंगे बिल डॉट सैलरी और हमारी सैलरी कंप्यूटर डिस्प्ले कर देगा कितनी, 10,000। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था स्ट्रक्चर के बारे में। इससे आप अपना स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।